नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे केएम न्यूज टीवी चैनल में। आज हम आए हैं बलसाड़ के डुंगरी गांव में, जहां आज गोर गांव की सीट पे पूर्व सदस्य श्री नवीन पटेल को सस्पेंड किया गया था, तो उसी की खाली जगह पे यह डुंगरी के दीपेन डुंगरिया को चुना गया है। तो आज हमारे साथ है दीपेन डुंगरिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप पहली बार चुने गए हैं कांग्रेस में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है और जो मुझे चुना गया है उपचुनाव के लिए गोरगाम वागलदर और पंचलाई सीट के ऊपर जो अभी खाली सीट हुई है उसका अभी उपचुनाव होने जा रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सपोर्ट करे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जनता की सेवा किस तरह करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जनता के तक पहुँचता रहूँ। सर, आपको कैसे चुना गया, मतलब आप सामने से गए या कांग्रेस वाले सामने से आपके पास आए? नहीं, मैं सामने से गया नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे खुद चुना है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जो किया है तो मैं उस पर खरा उतरूँ। उसके लिए मैं जितनी भी कोशिश करूँ उतनी कम है और जनता तक जाके घर घर जाके मैं जनता को समझाऊँ कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह सपोर्ट करे और जिताए और ये सीट कांग्रेस को जीत दिलाए। सर, आपको क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी? मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी और मैं कोशिश करूँगा कि जनता की क्या क्या तकलीफें हैं, गांव गोरगांव वागलदरा और पंचलाई सीट पे क्या क्या तकलीफें हैं वो जानने की कोशिश करूँगा और जनता तक पहुँचाऊँगा मेरा। सर, ये उपचुनाव कभी है और कहाँ पे है? ये चुनाव 22 मार्च को होने जा रहे हैं और ये गोरगांव वलसाड़ जिला के गोरगांव गांव और पंचलाई और वागलदरा गांव में होने जा रहे हैं और 22 मार्च को ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि दीपेन भाई उपचुनाव 22 तारीख को वो लड़ेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के उपस्थिति में चुनाव होगा, तो देखते हैं कि जनता दीपेन भाई को कितना सपोर्ट करती है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल। कैमरा में राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात बलसाड़।